अभी मतलब वो जो समाधि मुरन टोंके का माँ का, आप लोग क्यों उसको तोड़ा गया है? हम लोग तोड़ा गया उसको तो मतलब वहाँ का मतलब उन्होंने कहना है कि आपका असम प्रोविंस उसको तोड़ा है। हम लोग से वैसे कोई रिपोर्ट नहीं है, हम लोग तोड़ा गया नहीं। तो वहाँ का सर जो रिंग भी गैस का रिंग भी वो भी सर गायब है? नहीं, हमारे साइड से तोड़ा गया। जो एक्स्ट्रा लैंड हम यहाँ पे दे रहा है अरुणाचल को, अरुणाचल भी दूसरा जगह से असम को उतना लैंड रिटर्न में देगा। तो पब्लिक यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहे तो देयर इज अ रेजिस्टेंस कि हमको वो सर्वे अभी करने नहीं दे रहे लोग। तो वील रिपोर्ट टू आर हायर अथॉरिटीज, हम लोग अपना हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा, फिर जैसे ही इंस्ट्रक्शन जैसे आते हैं ऊपर से हम उसी हिसाब से काम करेंगे। ये पैदल मार्च करके अगर हम लोग का साथ ही अगर आप चलेगा तो हम आपको अलाउ करेंगे। ये पैदल का भी बात नहीं, आप पैदल जाने का या गाड़ी में जाने का बात नहीं। हम तो वो लोग का रिकमेंडेशन ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन विच वी टर्मिड एज सर्वे फ्रेंडली लाइन, वहाँ से 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर का लाइन जो है इट्स नॉट पैरेलल लाइन। जैसे कि मतलब 3 किलोमीटर के अंदर में अगर जो है सर्वे फ्रेंडली लाइन से 3 किलोमीटर के अंदर में जो है अगर अरुणाचली का किसी अरुणाचली का घर है तो वो जो है That has to be given to Arunachal. मतलब दोस्तों अगर जगह है, दोस्तों से अगर एक दो जगह में डिस्प्यूट है सर, उसको रहने दे। इसको तो मान ही रहा है 89 और जितने ये आप लोग जो लाइन बोल रहे हैं हम भी तो वही लाइन दे रहे हैं। असम और मानु अमर यार अरुणाचल और मानु पीस कमिटी रख बही के मीटिंग बही के जी तू या तू डिक्लेयर को क्वाय असे जे ये रामगढ़ नदी तू अरे लोग रहदास लोग क्लियर डिसीजन लुआ असल हे तो कुत्ता तू कुनु नाइक हो क्योंकि क्योंकि इतिया लोग तो अपनर अहमर मानु भी ए प्ले इंक्लोज करा नहीं, अरुणाचल मानु भी इंक्लोज करा नहीं, जने के तंदार में वही आसे जो लाल पानी बोलते है ना अरुणाचल की तरफ से जो मैप बना के लाल पानी को ही प्रपोज किया था बॉर्डर और हमने भी वही एक्सेप्ट किया है। इसमें हमने कोई ऐसा नहीं बोला कि हम इधर नहीं देंगे उधर नहीं देंगे। जो अरुणाचल ने बोला कि लाल पानी बोर्डर, हमने बोला ठीक है लाल पानी बोर्डर होगा। क्या हुआ और सर वही है ना अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि अगर आप लोग हाँ और ये लोग अगर हम लोग का साथ आशो अगर पैदल मार्च करेगा ना पैदल मार्च अरुणाचल बॉर्डर इधर सर के लिए तो आज अभी 12:01 बजे गया इसलिए नहीं हम एक बात बोलते हैं आपको, आप लोग एक राइटिंग में दीजिए कि अभी आप लोग जो है फर्दर जाने नहीं देगा जब तक आप लोग का जो प्रपोज है राजगर वाला रास्ता को जो है आप लोग पैदल मार्च नहीं मानेगा तब तक जो है फील्ड वेरिफिकेशन करने नहीं देगा। एक तरफ अरुणाचल बॉर्डर आसो नेटवर्क तो बेहद मुझे फोन करते हैं राइटिंग में ही दे देते आप लोगों ने अरुणाचल गवर्नमेंट ने जो लाइन बना के दिया है हमने ये एरिया में उसी लाइन को एक्सेप्ट किया है। हमने नहीं बोला है कि अरुणाचल, हमने बोला ना उधर भी आपको, हमने खाली दो जगह में डिस्प्यूट किया है, एक दुलुम रामघाट में और एक राधासू में। बाकी टाउन बिल दरिया बिल बर्मा यहाँ पे जो भी अरुणाचल ने बोला है कि यहाँ तक हमारा ज़मीन है तो हमने बोला ठीक है यहाँ तक आपका ज़मीन है, उसमें हम कोई डिस्प्यूट नहीं किया। क्योंकि इसमें एक ऐसा पॉलिसी है, आपको पता है कि नहीं पता है, जो एक्स्ट्रा लैंड हम यहाँ पे दे रहा है अरुणाचल को, अरुणाचल भी दूसरा जगह से असम को उतना लैंड रिटर्न में देगा, इसलिए इसमें हम कोई डिस्प्यूट नहीं किया है। आप 10 फीट और लोगे हम आपसे और 10 फीट देंगे। ये एरिया में कोई डिस्प्यूट नहीं है, आप अगर बोलते हैं और 10 फीट दे दो दे देंगे, लेकिन हमको तो उल्टा 10 फीट लेगा। मतलब हम लोग को जो है राधास्व में जाके फील्ड वेरिफिकेशन करना है कि नहीं करना है? सर नहीं करना है, जब करना भी है तो सर इन फुट मार्च, क्योंकि वही अभी इशू जो है जैसा एडीसी साहब जैसा बताया राधासो और दुलुंग में ही है। तो अभी जो है हम यहाँ से बोरमा जाके और दरियाबिल जाके हम जो है वेरिफिकेशन कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा? नहीं जब तक मतलब दुलुंग और दुलुंग और राधासु का हमको करने नहीं, आपके हिसाब से जैसा कर नहीं करेगा तब तक जो है आप बोलना है लोगों को भी करने नहीं देगा बेसिकली। जी सर वही है, तो और वही है सर जब तक सर दुलुंग क्लियर करके उसका बाद वहाँ से क्लियर आप होके फिर यहाँ दुलुंग में भी सुनिए
मैंने आपको बताया था कि दुलुंग में पहले हमने वो दुलुंग रिवर जो है हमने उसको बॉर्डर बनाया था, फिर अरुणाचल गवर्नमेंट की तरफ से एक डिमांड किया कि एक जो इंटरस्टेट बाउंड्री है उससे एक बफर जोन चाहिए। तो उस मीटिंग में डिसीजन हुआ था जहाँ पे आप लोगों का एमएलए, हम लोगों का एमएलए, मिनिस्टर सब लोग था, डीसी था, तो बोला कि ये डिसीजन हम लोग चीफ मिनिस्टर लेवल में भेजते हैं। तो चीफ मिनिस्टर लेवल में डिस्कस करके वो लोग कितना, मतलब ये लोग बोल रहे थे 1.5 किलोमीटर दो, हम लोग बोल रहे थे 500 मीटर देगा, ऐसा ऐसा बात करके बोला कि कितना देता है चीफ मिनिस्टर लेवल में, वो लोग बात कर ले। दुलुंग में वही इशू है, दुलुंग में अभी आपका जो इसका घर दिखाया था ना, टंके का जो दिखाया है, तो उसमें तो हमने बोला वो 100 मीटर्स का बात है, उसमें इतना बड़ा बात नहीं है। तो दुलुंग जो हाई लेवल में मीटिंग करेगा ये लोग, उस पर कितना तक आएगा नहीं आएगा वो लोग करेगा, हम लोग हमारा लेवल में वो आपको नहीं बोल सकते हैं दुलुंग में ये करेगा। और बाकी जो आपका टाउन बिल, दरिया बिल, बोरमाई है, इसमें तो हमने बोल दिया कि जो अरुणाचल ने मैप ड्रॉ करके दिया हमने वही मान लिया है, उसमें हमने कोई डिस्प्यूट नहीं किया है। वो लोअर तरासो में थोड़ा वो कार्बी बस्ती भी है, आप लोगों का बस्ती भी है, उसमें थोड़ा हमको फिजिकली देखना है कि कहाँ तक क्या है, और आरासो में देखना है। सर वही तो बोल रहे हैं दुलुंग में, तो ये नदी जो है ना, क्या करते हैं, ये तो बाउंड्री नहीं हो सकता है ना। बात हम पैदल जाने से पैदल भी जाएगा, बात पैदल जाने या उसका नहीं है, बात ये है कि जो पॉइंट्स लेना है, जैसे आपके साथ हमने उधर बात किया था कि हम अभी आके हम दोनों इधर आके यहाँ का पॉइंट ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि यही बॉर्डर हो गया। हम ये पॉइंट जाके जो कमेटी में मीटिंग होगा उसमें हम प्लेस करेगा अभी इसका भी, दुलुंग का भी, मैंने जो बोला ना कि हमने ये रिवर तक का पॉइंट लिया था, अभी आप लोग उससे थोड़ा नीचे तक मांग रहे हैं, तो हम दोनों पॉइंट दिखाएगा कि हमने यहाँ तक दिया था, आप लोग यहाँ तक मांग रहे हैं, तो उनको डिस्कस करेगा वो लोग। और आप लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है, आपका जो रिप्रेजेंटेशन है, वो आप लोग अपना एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए, आपका जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बात कीजिए आप लोग। सर वही तो सर, बात करने के बाद एक ही हल निकला है, आप लोग अगर हम लोग का साथ, वही हम लास्टली मतलब बोल रहे हैं, आप लोग अगर हम लोग का साथ पैदल मार्च करेगा, ये पैदल मार्च करके अगर हम लोग का साथ ही अगर आप चलेगा तो हम आपको अलाउ करेंगे। पैदल का भी बात नहीं है, बात पैदल जाने का या गाड़ी में जाने का बात नहीं है, हम बोल जहाँ जहाँ आप सीधा सीधा पॉइंट दिखाए ना कि ये पॉइंट पे हमको वो आपका मिली, आपका जो टाउन बिल, दरिया बिल, ये सब का हमने जो आपने दिया था वही मान लिया, तो आपने देखा है मैप, तो उसमें तो आपका कोई इशू नहीं है, कोई तो इशू नहीं। तो इशू कहाँ पे है? राधासु में है, ठीक है, राधासु में जाके देखते हैं लेकर राजगौर जो जंगला है वहाँ से बोलेगा क्या ये पॉइंट तक जाना है, तो ठीक है हम वो पॉइंट तक जाके देख लेंगे क्या है, और अभी सर पैदल जाने आप एक काम कीजिए, अगर आप लोगों का आपको एक काम कीजिए, काम करते हैं, अगर पब्लिक का जो ऑलरेडी बोर्ड मीटिंग में हो गया था उसके ऊपर अगर पब्लिक का कुछ दूसरा क्लेम है तो आप लोग वो क्लेम थ्रू योर एडमिनिस्ट्रेशन आप लोग प्लेस कीजिए। अभी आप मुझे डायरेक्टली बोलेगा तो मैं तो नहीं बोल सकता हूँ ना कि हम लोग नहीं, आप और ये प्रपोजल ऐसे नहीं, आप लोग अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, आपका सर्कल ऑफिसर है, आपका डीसी के थ्रू आप लोग प्रपोजल की इनसे आप ले लीजिए कहाँ तक ऑलरेडी हमने किया है, ठीक है, तो यहाँ तक ऑलरेडी रिसाइड हुआ है, लेकिन हमको ये चाहिए, वो जो भी चाहिए आप लोगों को आप वो दीजिए, वो बोर्ड में ये चीज को एडमिनिस्ट्रेटिव को प्लेस कर चुका है ये चीज को ना सर, जैसे कि सर कहाँ तक चाहिए आपको पता ही है, और कहाँ तक हम लोग का आदमी कहाँ तक का मतलब जून सिटी का क्लेम वगैरह जो है हम लोग का, तो ये है इसके, सुनिए इसके ऊपर जो आप लोग 2007 का क्लेम लैंड बोल रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारा सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुआ है, नामसाई में दोनों सीएम का मीटिंग हुआ, फिर दोनों सीएम ने जॉइंटली वीडियो कॉन्फ्रेंस किया, रीजनल कमेटी बना, या खाली विश्वनाथ या पापुमपारे का इशू नहीं है, पूरा आसाम में सुने हम बात क्यों कर रहे हैं सर, वही हम बोल रहे हैं ना, हम लोग यहाँ बात क्यों कर रहे हैं सर, आप अगर पैदल मार जाएगा तो चलिए, नहीं जाएगा तो छोड़ दीजिए, यही सब काम करना है, बात वो नहीं है, बात ये है कि ये जो आप लोगों का कहाँ तक क्या क्लेम है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपका गवर्नमेंट ने क्लेम प्लेस किया है कि यहाँ तक हमारा क्लेम है, उसके ऊपर निकल कर कुछ बात हुआ है, अभी उसको पूरा ख़त्म करके अगर फिर नया से क्लेम करेगा तो ये पूरा डिस्कशन फिर नया से शुरू करना पड़ेगा, अभी बीच में हम लोग नहीं बोल सकते कि
ये होगा तो सर हम और वो हमको दिखाना नहीं है। जितना भी हो मतलब आप लोग जो करना है कर लीजिए ना, हमको अभी आप लोगों को जाने देने के लिए ये नहीं है, ये अनुमति नहीं है। अगर आप लोग मेरा साथ पैदल अगर एक दिन के लिए अगर चलेगा तो वो आप लोग को अलाउ कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ में कोई ना जीरो टेकिंग होगा, नथिंग एल्स होगा, कुछ नहीं होगा। नूरंग साहब आप मेरा पॉइंट नहीं समझ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि पैदल चलना है गाड़ी में चलना है, पैदल ही चलेंगे वो बात नहीं है। बात ये है कि एक लाइन पे मान लीजिए ये लाइन पे मीटिंग में डिस्कशन हुआ और ये आपका गवर्नमेंट ने ये लाइन दिया और ये लाइन मान लिया था, अभी आप फिर अगर बोलते कि नहीं ये भी ये लाइन होना चाहिए तो ये अभी आपको हमको इधर बोलने से नहीं होगा, ये आपका एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू गवर्नमेंट के थ्रू नहीं प्रपोजल प्लेस कर चुका है राजगढ़ डिस्कशन जो भी हुआ है उसमें काफी रिडक्शन भी हुआ है हम लोग का ना लेन देन वगैरह, फिर उसके बाद जो है लेकिन अभी ये लोग जो है ये लोग का डिमांड जो है इट हैज टू बी द सेम लाइन वगैरह नाउ व्हिच मतलब दे वांट टू स्टिक टू द 2007 क्लेम तो अभी बट आफ्टर ऑल दिस हाई लेवल मीटिंग्स आवर लेवल वी कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। हम लोग जो है हम लोग को फील्ड वेरिफिकेशन के लिए भेजा है क्योंकि ये बाउंड्री अरुणाचल का कहां बनेगा असम का कहां बनेगा दिस इज नॉट आवर टेक आवर कोर। हम लोग को जस्ट मतलब कि हम लोग फील्ड फंक्शनरीज है, हम लोग यहां पे असम का एसेट्स क्या है अरुणाचल का क्या एसेट्स है वगैरह वही सिर्फ देखने के लिए आए, लेकिन जैसा यहाँ पे टीसी वाई का जो प्रेसिडेंट बोल रहा है ना पूरा नैरेटिव अगर इसका पहले से शुरू करना है तो दैट इज नॉट इन आवर अकाई का ये कहना है कि मतलब वही कि मतलब मेरा 2007 का जो क्लेम है वगैरह वहाँ पे एसेट्स देखो वगैरह बोल रहा है ना, जिसके लिए जो है आज आपके पास अभी ऑलमोस्ट एक बज गया टाइम भी नहीं है, ये बात टाइम का भी नहीं है, बात वी आर नॉट ऑथराइज्ड मतलब वो वगैरह वो चीफ मिनिस्टर लेवल कैबिनेट लेवल मीटिंग के बाद अगर हम लोग फील्ड में आकर बोलेगा कि ये नहीं ये कर दो तो हम नहीं होगा। दुलुम राम का क्या अपडेट्स है वगैरह, फिर आज का क्या अपडेट्स वगैरह, ये पब्लिक का क्या डिमांड है वगैरह, तो ये आपका मीटिंग आप प्लेस कर सकते हैं नहीं सके टाइम का नहीं है, मान लीजिए हम कल आज रही हो तो कल आ जाए, हमारे पास वो अथॉरिटी दिया नहीं है ना, हमको ये अथॉरिटी नहीं देगी लाइन चेंज करो, तो हम लोग का जो वो डिस्कशन में जो रीजनल कमेटी का जो डिस्कशन था वो लाइन का आसपास में, क्योंकि ये फाइन ट्यून वाला नहीं है, ये फाइनल नहीं है, जस्ट उसका आसपास में 100-200 मीटर। ये हमने पाके केसांग में किया है, पाके केसांग में जो कंप्यूटर से लाइन खींचा, लाइन खींचने के बाद हम लोग वो पाके केसांग वो उधर का सर्कल ऑफिसर हम लोग एडीसी सब लोग आए थे उन लोग, तो हम लोग आके देखा कि ठीक है सब हमने लाइन खींचा था तो देखा था थोड़ा आगे तक मतलब अरुणाचल का लोग का खेती है तो हमने वो लाइन को चेंज कर आगे तक ले गया, कहीं पे देखा कि हम लोग का वो ये आदिवासी लोगों का कुछ बस्ती है, आदिवासी बस्ती पहले हम लोग वो घर अरुणाचली घर समझ के अरुणाचल में डाल दिया, फिर पास में जाके देखा वो आदिवासी का घर है तो उसको बाहर वो करके वो सेटल हो गया, वो फाइन ट्यूनिंग बात नहीं होगा, लेकिन आज का ये लोग आपका जो डिमांड है कि पहले 2007 का जो क्लेम है उधर तक वापस जाना है तो उसमें वी आर नॉट ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन दैट, हमको खाली ये बोला कि कंप्यूटर में जो लाइन खींच के भेजा है वो लाइन में हो सकता है कि थोड़ा अप डाउन इधर उधर हो सकता है तो फील्ड में जाके देख के आओ कि लाइन ठीक ठाक है कि नहीं। सर सबसे पहले आप असम से आए हैं सर, हम आपका नाम जानना चाहते हैं। मैं विश्वजीत शैकिया, मैं एडीसी विश्वनाथ हूँ। सर आप लोग जो मिलके जो जॉइंट सर्वे कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं सर? ये जैसे कि आपको पता है कि असम और अरुणाचल के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था इसको लेके हमारे दोनों स्टेट्स के ऑनरेबल सीएम्स ने मीटिंग किया था नामसाई में, वहाँ पे नामसाई डिक्लेरेशन जो हुआ है उसके ऊपर एक डिसीजन हुआ था कि दोनों स्टेट के लोगों को लेके रीजनल कमेटी बनेगा और रीजनल कमेटी आपस में डिस्कशन करके ये बॉर्डर इशू को गिव एंड टेक पॉलिसी में सेटल करेगा, तो इसके हिसाब से हमारे विश्वनाथ और पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का भी बहुत सारे लेवल्स पे मीटिंग हो चुका है, कैबिनेट मिनिस्टर लेवल में रीजनल कमेटी लेवल में, तो उसमें एक रिजोल्यूशन निकला था लास्ट ईटानगर में जो मीटिंग हुआ था उसमें, तो उसके हिसाब से जो लाइन ड्रॉ किया गया था उसको हमको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को फिजिकल वेरिफिकेशन करके उस लाइन का एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए दिया था, उसी के हिसाब से आज हम यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ पे जो लोकल पब्लिक है
वो लोग जो 2007 में अरुणाचल का क्लेम है वो लोग उसी में इंसिस्ट कर रहा है, और जो लास्ट रीजनल कमेटी का जो रिजोल्यूशन था वो पब्लिक यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो देयर इज अ रेजिस्टेंस कि हमको वो सर्वे अभी करने नहीं दे रहे लोग, तो वील रिपोर्ट टू आर हायर अथॉरिटीज, तो देखते हैं ऊपर में क्या बात होता है। सर ये आप लोग जो सर्वे गए थे तो जो रीजनल कमेटी की ओर से, तो ये गांव वाला का कहना है कि उन लोग सहमत नहीं है क्योंकि उन लोग का खिलाफ उन लोग को जानने नहीं दिया गया है, उन लोग का ये कहना है। तो देखिए हमने जब, हमने जहां तक सर देख रहे हैं तो मैपिंग में उन लोग का गांव भी असम की ओर हो रहे हैं इसलिए नहीं। यहां पे जो हमने देखा है कि लास्ट कुछ महीना पहले यहाँ पे असम और अरुणाचल दोनों स्टेट्स के रीजनल कमिटीज़ का जो मेंबर्स है, ऑनरेबल MLAs एंड मिनिस्टर्स, सब लोग यहाँ आए थे, पब्लिक के साथ इंटरेक्शन भी किए थे, फिजिकली सारा स्पॉट उन्होंने विजिट भी किया था, और उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल ने क्लेम लाइन प्रपोज किया, उसके ऊपर बात हुआ, और उसके ऊपर बात होकर दोनों कमिटीज़ ने मिलकर जो डिसीजन लिया है उसी के हिसाब से हम खाली फील्ड में देखने आए थे। तो अगर पब्लिक को इफ़ देयर आर एनी मोर ग्रीवेंसेस देन दे शुड प्लेस इन प्रॉपर फोरम, अभी हम लोग यहाँ पे ऑथोराइज नहीं है कि उसको लेके कुछ कर सके। अभी आप आगे क्या करेंगे सर? नहीं अभी आज के लिए वी हैव कॉल्ड इट ऑफ, आज तो नहीं हो पाएगा, हम लोग अपना हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करेगा, फिर जैसे ही इंस्ट्रक्शन जैसे आता है ऊपर से हम उसी हिसाब से काम करेंगे। सर ये जो बॉर्डर इशू जो है बहुत बहुत पुराने हो रहे हैं, तो कब तक सॉल्व हो जाएंगे सर? देखिए जहाँ आप लोग तो देख ही रहे हैं ना, दोनों स्टेट का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स, MLAs सब लोग इसमें ट्राई कर रहे हैं, बार बार मीटिंग हो रहा है, एक महीने में 2-3 बार मीटिंग हो रहा है, कल भी गुवाहाटी में मीटिंग है, कुछ दिन लास्ट वीक में भी ईटानगर में मीटिंग था, तो दोनों स्टेट की तरफ से कोशिश पूरा जारी है, अगर पब्लिक भी थोड़ा कोऑपरेट करेगा तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। सर ये आपका असम प्रवेश से ना ज़्यादा उन लोग तंग करता है, पब्लिक तो तंग नहीं करता है, आपका असम प्रवेश ही क्यों मतलब तंग करता है हमेशा? आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, बट बिकॉज फ्रॉम असम साइड इट वॉज अ रिजर्व फॉरेस्ट, तो वो लोग अपना फॉरेस्ट पर्सन उनका रूल के हिसाब से वो लोग कुछ कर रहे हैं, बट आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन इट। तो सर अभी मतलब वो जो समाधि है का माँ का, आप लोग क्यों उसको तोड़ा गया है? हम लोग तोड़ा गया नहीं है उसको, अभी तो उसको तो मतलब वहाँ का मतलब उन्होंने कहना है कि आपका असम प्रवेश उसको तोड़ा है बोला है? नहीं नहीं हम लोग से वैसे कोई रिपोर्ट नहीं है, हम लोग तोड़ा गया नहीं है उसको। तो वहाँ का सर जो रिंग भी गैस का रिंग भी वो भी सर गायब है? नहीं हमारा साइड से तोड़ा गया नहीं है। सर ये आपका असम पब्लिक का इतना मतलब प्रेशर नहीं होता है जो बाउंड्री खेले ना जमीन चाहिए, आपका पुलिस डिपार्टमेंट क्यों मतलब इतना ये कर रहा है? ये असम गवर्नमेंट नोटिफाई किया, रिजर्व फॉरेस्ट है, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रोल है रिजर्व फॉरेस्ट का प्रोटेक्ट करना, वो हिसाब से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं उतना ही। सर कुछ महीने पहले कुछ साल हो गए शायद आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आप भी थे सर उसमें, राधासो में अरुणाचल का पोकलैंड को सीज किया कर दिया गया था, तो रंजीत दत्तों सर से जब हमने बात किया पिछली बार विजिट पे, उन्होंने कहा कि वापस दे देंगे, अभी तक क्यों नहीं दिया सर? वो मैटर अभी कोर्ट में है मेरे हिसाब से, वो कोर्ट में जब ऑर्डर निकलेगा वो हिसाब से हम वापस करते हैं। सर PMGSY तो सेंट्रली स्पॉन्सर वाला चीज़ है, स्कीम है, तो उसको करते हो आपका असम ने क्यों मना किया? वो पर्टिकुलर केस है, वो ऑलरेडी कोर्ट में है, अभी मेरे हिसाब से वो अपील में है क्या, सो वो उसका जब ऑर्डर निकलेगा वो हिसाब से कोर्ट का ऑर्डर का हम मानेंगे। सर जैसे कि आज यहाँ पे जो आप लोग जो सर्वे जा रहे थे जॉइंट जो असम से और ADCI और आपका आप एज ए CEO आप लोग ने सर्वे किया, तो बीच में आप लोग का सर्वे को रोक दिया गया है क्योंकि जो यहाँ का गांव वाला है उन लोग सहमत नहीं है, आप लोग का जो मैपिंग का जो प्रपोजल दिया है उससे सहमत नहीं है उन लोग का कहना है, तो सर अभी आप लोग का आप लोग क्या करेंगे अभी? देखिए वही आज जो हम लोग को ऑथोराइजेशन मिला था दैट वाज फॉर फील्ड वेरिफिकेशन। फील्ड वेरिफिकेशन बेसिकली जो है अरुणाचल का एसेट्स जो है कितना है, वो लाइन जो हम लोग ड्रॉ किया है उसमें कितना है, और फिर असम का कुछ एसेट्स है तो वो कितना है वगैरह, उसके लिए जो है वी हैड इनवाइटेड ADC विश्वनाथ चराली एंड DFO विश्वनाथ चराली, तो वो लोग आया है, फिर उसके बाद फील्ड वेरिफिकेशन जो है हम लोग यहाँ पे आपका दुलुंग एरिया में भी हम लोग जाके चेक किया था वहाँ पे, तो ऑन इंसिस्टेंस ऑफ नुरांग तोंकी जी वी वेंट टू विजिट द बरेल साइड ऑफ मदर ऑफिस मदर, तो वहाँ पे भी देखा है, तो वैसा करके आई वुड हैव बीन वेरी ग्लैड मतलब कि अगर जो है पब्लिक ऑफ तरासो इफ दे हैड अलाउड अस टू कंटिन्यू फर्दर फील्ड वेरिफिकेशन फॉर दरिया बिल, बोरमाई और फिर उसके बाद टाउन बिल, वो सब के लिए भी, बिकॉज के दिस आर सम एरियाज ओके जिसमें जो है ज़्यादा इश्यूज़ भी नहीं है, तो लेकिन एटलीस्ट बट
ऑन पेपर्स इट इज़ अ डिस्प्यूटेड प्लेस, लेकिन आज ये फील्ड वेरिफिकेशन होने से ये तीन विलेज जो है डेफिनेटली जो है वुड हैव बीन स्ट्राइक्ड आउट ऑफ आपका ये डिस्प्यूटेड एरिया से। सर यहाँ का लोग का कहना है इतने दिक्कत से उन लोग कैद करके आए हैं जहाँ पे उनका जो पुराना जो घर है वो भी थे, लेकिन आज जो है उसको कुछ नहीं कर रहे बोल के वो उसको आप जब गिव एंड टेक पॉलिसी करते हैं तो उसे भी दिया जा रहा है, इन लोग का कहना है। तो इन लोग का ये सहमत नहीं है कि इन लोग अभी भी वहाँ पे कैद कर रहे हैं, हालांकि असम वाला जो फॉरेस्ट है वो तो मना करते ही बीच बीच में आके इवेक्शन भी करते हैं, तो ऐसे करता है बोल के उन लोग बीच में रुक गया था, लेकिन वो जो ज़मीन है उनको अभी असम साइड में देने का बात कर रहे तो उससे उन लोग सहमत नहीं है बोल रहे। तो अभी क्या करेंगे सर, उनको असम का साइड होगा या अरुणाचल की साइड पे? अब बिफोर वी टेक दिस डिस्कशन एनी फर्दर, एक मतलब मैं आप लोगों को जो ये बैकग्राउंड इसका जो क्या ये इशू का क्या बैकग्राउंड है थोड़ा सा हल्का सा हाईलाइट करना चाहूँगा। बैक इन 1951 जो है आप लोगों को आइडिया है गोपीनाथ बोर्डोले कमेटी के थ्रू जो है और कॉन्स्टिट्यूशन लाइन्स वे ड्रोन राइट। तो इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन आवर पार्ट, मतलब हम लोग के अरुणाचल की तरफ से जो है कुछ रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, दैट इज वन बिग रिसेंटमेंट वी अरुणाचली हैव बिकॉज ओके नन ऑफ अरुणाचली वेर कंसल्टेड वे बैक इन 1950s मतलब कि लाइन ड्रॉ करते वक्त, और सब्सिक्वेंटली 1960s 70s और 80s में जो भी सर्वे ऑफ इंडिया लाइन जब भी यहाँ पे बॉर्डर पिलर्स मार्क करने के लिए आया है नन ऑफ द अरुणाचली पीपल वेर टेकन इन टू अकाउंट। तो ये इशू दिस इज़ वन पॉइंट ओके जिसमें जो है इट्स ड्रॉबैक फॉर अरुणाचली जब हम लोग जो है अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लाइन कहाँ है वगैरह कहाँ है उसका हम लोग को आइडिया नहीं रहता है। तो दूसरा चीज़ हो गया, अभी फाइनली एस अ पार्ट ऑफ इंडिया जो स्टेट ऑफ असम और स्टेट ऑफ अरुणाचल जो है फाइनली एक प्रॉपर एक बाउंड्री विदाउट एनी डिस्प्यूट, दैट इज़ द इंटेंशन ऑफ बोथ ऑफ द गवर्नमेंट नाउ। एक दोनों तरफ दोनों सीएम जो है दोनों स्टेट का सीएम जो है दे हैव टेकन अ बिग डिसीजन कि एक वंस एंड फॉर ऑल मतलब एक बार में जो है बाउंड्री इशू को रिसोल्व करने का। नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है एंड आई डोंट थिंक ओके दिस सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी इज़ गोइंग टू कम अगेन इन नियर फ्यूचर। तो लेकिन ये अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए आई वुड हैव सजेस्टेड कि ये फील्ड वेरिफिकेशन होने से अभी बैक इन 2007 जो है यू माइट बी अवेयर ऑफ जो आप वन मैन लोकल कमीशन जो यहाँ पे था चटर्जी कमीशन जिसको बोलता है, तो वो लोग का जो है उसका रिकमेंडेशन व्हेन इट वाज टेबल्ड वे बैक इन 2011-12 में जो है उसका जो रिपोर्ट जो टेबल्ड हुआ था तो वो लोग का रिकमेंडेशन ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन विच वी टर्मिड एज सर्वे ऑफ इंडिया लाइन वहाँ से 3 किलोमीटर ये 3 किलोमीटर का लाइन जो है इट्स नॉट ए पैरेलल लाइन, जैसे कि मतलब 3 किलोमीटर के अंदर में अगर जो है सर्वे ऑफ इंडिया लाइन से 3 किलोमीटर के अंदर में जो है अगर अरुणाचली का किस कोई अरुणाचली का घर है तो वो जो है दैट हैज़ टू बी गिवन टू अरुणाचल, दैट वाज हिज रिकमेंडेशन चटर्जी का। फिर लेकिन 3 किलोमीटर के बियॉन्ड अगर कुछ किसी का कुछ घर आ जाता है घर पर जाता है तो दैट शुड बी गिवन टू असम, बट असम गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ वो वहाँ पे जो भी जिसका भी ज़मीन है उसका प्रॉपर्टीज़ को। लेकिन अभी फिर यहाँ पे एक पब्लिक का ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जितना भी 3 किलोमीटर के अंदर 3 किलोमीटर लाइन के अंदर में जो भी आएगा इट हैज़ टू बी गिवन टू अरुणाचल, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का रिकमेंडेशन था विच इज़ नॉट ट्रू। ये जो है जहाँ सेटल्ड है सेम मतलब कोई अरुणाचली का प्रॉपर्टी जो है विद इन 1 किलोमीटर है सर्वे ऑफ इंडिया लाइन से तो हम लोग का जो है बाउंड्री विल टेक अ कर्व टू 1 किलोमीटर फ्रॉम 3 किलोमीटर, तो वैसा करके इट्स नॉट ए पैरेलल लाइन। तो उसी को जो है बैक इन 2007 जो है कुछ लाइन ड्रॉ हुआ था विच असम डिडंट एग्री, उसके बाद जो है फर्दर जो है यहाँ पे फर्दर इस बार का जो 2020 से जब से हम लोग का ये सीएम का जो इनिशिएटिव चालू हुआ तब से जो है हम लोग 2021 में वी प्लेस सम क्लेम लाइंस बाय रेक्टिफाइंग करेक्शन बाय करेक्टिंग सम ऑफ आर डिमांड्स ना, तो उसमें जो है 2007 से हम लोग थोड़ा सा रिडक्शन किया। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंटली 2022 और 2023 में जो है फाइनल डिस्कशंस के लिए जो है हम लोग फर्दर रिडक्शंस किया वहाँ पे। तो ये करेक्शंस को लेके हम लोग जो है ये 9 जनवरी को जो है हम लोग का लास्ट मीटिंग हुआ था तो उसमें जो है वही पॉइंट्स को लेके जो है हम लोग यहाँ पे जस्ट असम का एसेट्स और अरुणाचल का एसेट्स कहाँ कहाँ पे है वो चीज़ को देखने के लिए आज फील्ड वेरिफिकेशन था। ये एक्सरसाइज जो है इट वॉज़न अबाउट डिटरमाइनिंग कि मतलब कि ये फाइनल मैप बनेगा ये फाइनल बाउंड्री बनेगा, दिस वॉज जस्ट अबाउट ओके डिटरमाइनिंग कि एसेट्स कहाँ पे है। तो सर फाइनल जो है कब तक होंगे आपको क्या लगता है? नाउ वही आज का जैसा फील्ड वेरिफिकेशन जो है मेरा तरासू में जो है देर आर 10 डिस्प्यूटेड विलेजेस जिसमें जो है वी कुड ओनली विजिट
दुलुंग रामगढ़ एंड दरियाबिल, बाकी 8 विलेजेस को तो हम लोग को विजिट करने नहीं दिया। तो और इनफैक्ट मतलब कि पहले का डिस्कशंस में जो है अपर तरासो और अनिहापा को तो स्ट्राइक ऑफ कर ही दिया था, एंड विच इन प्रिंसिपल आसाम हैज एग्रीड दैट ओके इट्स पार्ट ऑफ अरुणाचल, लेकिन बाकी 8 में जो है थोड़ा सा अभी भी डिस्प्यूट था। तो ये आज का ये जो फील्ड सर्वे जो हम लोग का वेरिफिकेशन जो कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसका जो सब्सिक्वेंट जो रिपोर्ट बनेगा वगैरह आई गिव इट आई फॉरवर्ड इट टू माय डीसी, फिर वहाँ से वो रीजनल कमेटी चेयरमैन को वहाँ पे फॉर द ब्रीफिंग दिया जाएगा। आप लोग जो आज जो सर्वे फील्ड विजिट था असम अरुणाचल जॉइंट विजिट था, आप लोग ने उसे रोक दिया गया, वो क्या वजह है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मीडिया फ्रेंड्स को धन्यवाद आज यहाँ हम लोग आया हमें आने के लिए। मेरा नाम मिस्टर गुरंग अकय, तारो सर्कल यूथ प्रेसिडेंट। आज का जो ये फील्ड विजिट को रोकने का एक ही मकसद था, जितना भी हो जबकि असम और अरुणाचल लोग जबकि प्रैक्टिकली जहाँ जाके फुट मार्च करके नहीं देखता है, ऐसे सिर्फ गूगल सैटेलाइट मैप से अगर देख के भी अगर वो लोग स्ट्रेच बनाता तो कभी नहीं होता, क्योंकि ये वाला जो है आपका सिर्फ प्रैक्टिकली हम लोग का पब्लिक का ज़मीन कहाँ तक है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देखने के लिए मैंने बात किया था, लेकिन ओ डी एफ ओ और ए डी सी ने मना कर दिया, वही कारण से इसको रुकाया गया है। और रहा बात ये जॉइंट कमेटी जॉइंट रीजनल कमेटी का बात को हम नहीं मानते हैं, हम तरासो वासी मानते नहीं है, पब्लिक भी नहीं मानता है। क्यों नहीं मानते हैं बोलने से आपका हमारे जो पूर्वज का पूर्वजों से जब हम लोग खेती करके आ रहे झूम खेती वगैरह करके आते हैं तो उसके उसे तो आपने एवेक्शन कर करके आपने ये ऊपर तक लेके आ गया, अभी ऊपर तक इतना ऊपर लेके आने का फिर भी आप लोग अभी ऊपर मांग रहे आसाम वाले लोग और साथ में कमेटी लोग आपका रीजनल कमेटी लोग भी उसका साथ ही दे रहे हैं, तो हम कैसे माने और हम खाए कहाँ में? हमारा खेती जितना भी हो आप लोग का स्ट्रेच मैप का सबका नीचे का नीचे में ही है, हम लोग का जितना भी हो पब्लिक का ये मिट्टी लोग है सब नीचे में है। रीजनल कमेटी लोग बोलता है कि हम लोग जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है उसको सिर्फ हमें वापस दिया जाएगा, हम ह्यूमन सेटलमेंट जहाँ में सिर्फ है आप उसको सिर्फ देने से हम खेती कहाँ में करें? हम खेती करके वहाँ से जहाँ से हम लोग खाते थे आप उसको भी आसाम की तरफ खींच के लेके जाएंगे तो हम करेंगे क्या, खाएंगे क्या? तो इसके लिए मैं ये कमेटी को रीजनल कमेटी को नहीं मानता हूँ। और तरासो एरिया में हमारे यहाँ पे एक ये रहते हैं, हम तरासो पब्लिक और जितना भी आसाम के पब्लिक हम यहाँ भाईचारा में रहते हैं, हम ना ही ओलू का ज़मीन को इंक्रोच करते हैं ना ही वो हमारे यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो करते हैं सिर्फ वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट असम का जितना भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही करते हैं। हमारा जो डायरेक्ट बाउंड्री है बोलने से आपका एसटी लाइन जो ईस्टर्न पार्ट में है जो एसटी लाइन से हम मान के आते हैं और वहाँ का जो पब्लिक है वो भी वही मानते हैं, और साथ में हमारा जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ तरासो है वेस्टर्न पार्ट ऑफ तरासो में बोलने से हम उसको मानते हैं राजगढ़ आले जो ये दिगालमुख तीन आली में मिलता है, तो हम तो वही बोलते हैं कि हमारे जो असम के जो पब्लिक है वो कभी क्लेम नहीं किया हमारे उधर, क्यों बोलें? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कहा था कि वहीं से राजगढ़ आली में आपका तरासो और असम का बीच एक बाउंड्री है, तो राजगढ़ आली से लेकर आपका दिगालमुख तीन आली तक का हम लोग का बाउंड्री बनाया गया था, इसके कारण से हम लोग का वहाँ पे पूर्वज ने जितना भी हो खेती बाड़ी किया, आज वही खेती बाड़ी को एलिफेंट कॉरिडोर क्या कॉरिडोर बनाएगा बोलते हम नहीं मानते ऐसे, तो इसके लिए हम बोलते हैं ये गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जितना भी हो तरासो का पब्लिक का ग्रीवेंसेस को आप सुनिए और पब्लिक का ग्रीवेंसेस को सुन के आप हमारे लिए थोड़ा काम कर दीजिएगा। रीजनल कमेटी और हमारे जो गवर्नमेंट है हम तो वही चाहते हैं, हमारे जो तरासो के पब्लिक यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बॉर्डर इशू जो सॉल्व हो जाए, और हम ये रीजनल कमेटी का जो स्ट्रेच मैप है उसको हम नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं बोलने से आपका जो स्ट्रेच मैप है सिर्फ हमारे घर को दिया गया, हमारे जो हम जहाँ में खेती करके खाते हैं उसे नहीं दे रहे, तो हम खेती को घर को सिर्फ लेके हम क्या करें?
हमारे पास खेती भी होना चाहिए जहाँ में हम करके खा सकते हैं, और हमारे जहाँ में फ्यूचर, हमारे जितना भी फ्यूचर आ रहे हैं वापस, वो भी करके खा सकते हैं। लेकिन आप उसे ही मैप से निकाल रहे हो, तो हम करें भी क्या करें। तो हम तो यही लगता है कि इसको ये स्ट्रेच मैप से हम को ये दिख के लगता है कि शायद सॉल्व होने का थोड़ा प्रॉब्लम ही है। जो भी कर रहे हैं हम तो सहमत तो है, लेकिन वही है कि हमारे जो खेत जो सिर्फ बाहर जा रहे हैं, तो हम तो लगता है कि ये जो खेत है हमें अगर वापस दे देते हैं तो ये जल्द से जल्द सॉल्व होने का नाम ले सकते हैं। थैंक यू।